2013 से जो वीडियो में बूम आया है, तो गूगल और सोशल मीडिया चैनल्स जैसे फेसबुक और लिंक्डइन बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं वीडियो कंटेंट को। ये कहना सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जनता वीडियोस के लिए क्रेजी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बिजनेसेस फेस कर रहे हैं आज, वो है अपने व्यूअर्स को अपने वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए कैसे रखा जाए। और जैसे डिक्रीज होते जा रहा है अटेंशन स्पैन लोगों का, ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है रुचि आरमकर फ्रॉम एनिमेशन प्लैनेट, और आज हम जानेंगे वीडियो बनाने के ऐसे 60 टिप्स जो आपके व्यूअर्स को रखेंगे आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए। व्यूअर्स को अपने वेबसाइट पे रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है बिजनेसेस के लिए। उसके लिए वो सारी चीजें करते हैं, जैसे SEO, SEM, अट्रैक्टिव इमेजेस यूज करना, फॉन्ट्स यूज करना, स्टाइल्स बनाना, एक्सेट्रा। मगर जैसे सर्च इंजन का एल्गोरिथम बहुत बार चेंज होता है, ये कहना मुश्किल है कि आपकी वेबसाइट हमेशा ऊपर रहेगी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। लेकिन अगर आप वैल्यू देते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली भी ऊपर रह सकती है। सबसे बड़ा और कुछ लोगों के लिए अकेला सर्च इंजन जो है गूगल, वीडियोस को पसंद करता है। बाकी सारे मार्केटिंग वेज से वीडियो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए। क्यों? क्योंकि वीडियो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आसानी से पूरा करता है, जो है विजुअल, ऑडियो और इमोशन। हम इंसान बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं विजुअल से। अगर वो हमारे एवरीडे रूटीन से अलग है, तो हम रुकते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राह चलते इंसान को कोई गिरते हुए नजर आ जाए, तो उसका ध्यान तुरंत उसकी ओर चला जाता है। बाद में उसकी मदद करना या ना करना ये उसका सवाल है। हम याद रखते हैं जब हम सुनते हैं, जैसे कि कभी कोई म्यूजिक सुनाई दे तो हमें याद आ जाता है कि वो कौन से गाने की है। और कभी कभी हमें म्यूजिक की भी जरूरत नहीं होती है हमारा फेवरेट सॉन्ग याद करने के लिए। हम बहुत खुश होते हैं खुशी के मौकों पे, जैसे कि बर्थडे, कॉम्पिटिशन में जीतना। और कई सालों बाद हम जब इसे डिस्कस करते हैं, तो हम सेम फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे इमोशनली जुड़े हैं। वीडियोस में ऐसी ताकत है जो व्यूअर्स को वो अट्रैक्ट करे, उनसे जुड़े और उन्हें कुछ ऐसा दे जो वो कई सालों तक याद रख सके। हमारे एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से हमने बनाए हैं ऐसे 60 टिप्स जो आपके वीडियोस के इफेक्टिवनेस फैक्टर को इंक्रीज कर दे। टिप नंबर 1, अपने वीडियो में समझ में आने वाले भाषा का इस्तेमाल करें। इफेक्टिवली वर्क करवाने के लिए आप अपने वीडियोस को अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कस्टमाइज करें। ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो आपके टारगेट ऑडियंस को समझ में आए, अब वो फॉर्मल हो सकती है या फिर इनफॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट ऑडियंस एक प्रोफेशनल है, तो आप टेक्निकल टर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट ऑडियंस जनरल पब्लिक है, तो आसान भाषा का इस्तेमाल करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ आपके बिजनेस की अच्छाई बताने के लिए नहीं, लेकिन आपके कस्टमर्स को किस तरीके से मदद कर सकता है ये बताने के लिए है। टिप नंबर 2, एक मैसेज डिसाइड कीजिए जो आपको शेयर करना है, और देखिए कौन सा बेस्ट इमोशन है इस मैसेज को बताने के लिए। हम ह्यूमन सोशल एनिमल्स हैं। कितने भी स्मार्ट और लॉजिकल क्यों ना हो, हमारे इमोशन का हमारे डिसीजन पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। इमोशंस, फीलिंग्स, ये हमारे मौलिक प्रभावक यानी कि फंडामेंटल इन्फ्लुएंसर्स है। जो हम कहते हैं गट फीलिंग, नेचर, इंस्टिंक्ट, ये सब इमोशंस है। जब हम डिसीजंस लेते हैं, तो हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वो डिसीजन हमें फील कैसे कराता है। बाद में हम उसमें लॉजिक ढूंढते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर कोई वीडियो हमें इमोशनली कनेक्ट करता है, तो हम उससे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं और रिलेटेड एक्शन लेने के लिए तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन एड, ये हमारे पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। अगर हमारे हाथ में एक आईफोन है, तो हमें कूल, ग्रेट, एक्साइटेड, क्रिएटिव ऐसा फील होता है, जो क्लेवरली वीडियो में भी दिखाया गया है। इसका रिजल्ट, तेजी से होने वाले सेल्स नए आईफोन लॉन्च के। टिप नंबर 3, विजुअल्स इस्तेमाल कीजिए एनिमेटेड या लाइव इमोशंस को बढ़ावा देने के लिए। देखी हुई चीज पे विश्वास कर लेना लॉजिक लगाने से पहले ही ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसलिए अगर कोई हम ऐसी चीज देख लेते हैं जो हमारे इमोशन से जुड़ जाती है, तो हम उसे कन्विंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा एड्स, मेल्टिंग चीज, गरम पिज्जा, ये देख के आपको तुरंत उसे खाने की इच्छा हो जाती है। टिप नंबर 4, अपने वीडियो में म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और वॉइस ओवर का इस्तेमाल करें।
जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जो हम सुनते हैं वो हम याद रखते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट हमारे वीडियो के यूनिक सिग्नेचर्स की तरह काम करता है हमारे ब्रेन के लिए, और वॉइस ओवर हमारे वीडियो के कहानी की आवाज बनता है, जिसकी वजह से हमारा वीडियो निखर के आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेटफ्लिक्स लोगो तो देखा ही होगा। जब हम दो बीट्स की आवाज सुनते हैं नेटफ्लिक्स लोगो के, तो हमको तुरंत पता लग जाता है कि नेटफ्लिक्स शुरू होने वाला है बिना देखे ही। टिप नंबर 5, मैसेज से मिलता जुलता कॉल टू एक्शन इस्तेमाल करें। एक कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो के लिए। मान लीजिए अगर आपने कोई वीडियो बनाया है जो बहुत सुंदर विजुअल्स, बहुत खूबसूरत म्यूजिक और वॉइस ओवर के साथ, तो व्यूअर उसे जरूर देखेगा, उसे पसंद भी करेगा। पर अब क्या, आपने वीडियो क्यों बनाया है? आप व्यूअर से क्या चाहते हैं? क्या आपने उसके सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, या आप व्यूअर से कुछ चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपने रिक्वेस्ट कहाँ की? लोग एक्शन लेते हैं जब आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। आपको एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करनी है उन्हें एक्शन लेने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम वॉच मोर टू क्लिक टू बाय। मगर ध्यान रहे, वो आपके वीडियो मैसेज के अनुसार होनी चाहिए। टिप नंबर 6, अगर आपके वीडियो में वॉइस ओवर है तो कैप्शंस या सबटाइटल्स यूज कीजिए। अगर आप अपने वीडियो में कैप्शंस इस्तेमाल करते हैं तो आप हर तरह के कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया चैनल्स और वेबसाइट पे सिर्फ वीडियो देखना पसंद करते हैं और सुनना नहीं, उन तक भी आपका मैसेज आसानी से पहुंच सकता है। कैप्शंस हमारी मदद करते हैं कि हमारा वीडियो हमारे कस्टमर के भाषा और रीजन के अनुसार कस्टमाइज हो। टिप नंबर 7, सर्च इंजन रिकॉग्निशन के लिए आप कीवर्ड और टैग्स का इस्तेमाल करें। कीवर्ड्स और टैग्स ऐसे सेंटेंसेस हैं जो लोग सर्च करते वक्त यूज करते हैं। अगर आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड्स हैं, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज आपके वीडियो को एज अ रेलेवेंट वीडियो आपके व्यूअर को दिखाएगा। इससे आपका वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज होगा। आपके वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना ये एसईओ का काम है, मगर उनको रोके रखना ये वीडियो का काम है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऐसे वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए info@animationplanet.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप अपडेटेड रहें वीडियो और वीडियो मार्केटिंग के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।